रेस्टोरेंट इधर कहीं चल जाएगा सब जगह चल रहा है मशीन दिखाओ बहुत अच्छी बन रही है मुझे बहुत पसंद है मुख्यालय में पहुंच चला जाएगा।
आपका बाथरूम का वो जो ठीक हो जाए तो आप जान सकते हैं, जैसे जैसे छोड़े ना तो ऐसे वो उसके वो सब गाड़ी की जो सीट है वो ओपन हो जाए। आजकल मुझे हमने पहले क्या होता था, जहाँ पर भी ट्रेन खरीद रखी थी वहीं पर खरीद रखी तो गंदगी वहीं से रसीदे करते हैं, आप जैसे स्टेशन पर इंटर करते हैं ट्रेन तो उसकी जो पहले की जो सीट है ना वो बंद कर देते हैं, मतलब आप तो आपको ट्रेन छुट्टी नहीं देंगे, ट्रेन जैसे छुट्टी है भाई आप वो तो आपका पैसा ये भी अच्छा है क्योंकि एक्सप्रेस एक के बाद में एक में ये गया और उसको आगे निकाल दो और ये वाली इधर से फिर आप निकालेंगे यहाँ और यहाँ से निकाल दो ये वाली यहाँ से इसको उठा के इधर लगाओ ना उसको लगाओ सर कोई पूछना चाहते एक को आगे निकालो बंद हो गई नहीं आगे पीछे भी लगा दो पैरेलल में थोड़ा सा Thank you.
चलो ये क्या है बताओ, ये सोलर पैनल ये पूरे को क्या बोलेंगे, कहे का बना है एक चीज और बताओ, ये ऐसे एंगल पे क्यों लगी है ये ऐसे? जब इसको इंस्टॉल करते हैं ना, हमारे पृथ्वी का प्लेन अर्थ में छुपा हुआ है, पृथ्वी जीएनए एमएनए सॉरी जीएनए सूर्य की उस जगह पे उस लोकेशन पे डूबने से लेकर डूबने तक पोजीशन क्या है, उस पर से एक कैलकुलेशन करके एक एंगल निकलता है, जितना वो एंगल निकलेगा डायरेक्शन के हिसाब से उस एंगल पे झुका करके उसको बनाया, ऐसा नहीं कि अपन ने ले गए और ऐसा ले जाकर रख दिए, ऐसा नहीं कैलकुलेशन, जैसे डीटीएस का करते हैं सिग्नल्स के लिए, ऐसा एक कैलकुलेशन है सूर्य की पोजीशन से पृथ्वी का एंगल, और कैलकुलेशन में समुद्र तल से ऊंचाई भी आती है, बहुत कुछ है उसका पढ़ना आप लोग। यस सर, मैं तो बहुत सारी चीज़ें पता की होंगी आप लोगों को, कर ली हो आप बताओ जरा जल्दी से। पहले ये प्रोजेक्ट के बारे में संक्षिप्त विवरण आपको बताना चाहते हैं, सब्जी में बता दो कहाँ से कैसे आती क्या आती है, सब्जी में बता दो। सबसे पहले अल्टरनेटिव से जनरेट होती है बिजली 11 kV में, उसको हम सबसे पहले स्टेप अप करते हैं ट्रांसफार्मर पर, उसके बाद ये पुल में भी ट्रांसमिशन लाइन, उसके बाद फिर स्टेप डाउन करते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुँचाते हैं, उसके बाद प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज कितना रहेगा और कहाँ से कहाँ तक वाली लाइन का प्राइमरी ट्रांसमिशन का? सर सबसे पहले यहाँ से स्टेप अप करेंगे लाइन का, स्टेप अप किए हैं, उसके बाद अगला सब्जी तो ट्रांसमिशन लाइन में जो प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन जो है उसे वोल्टेज कितना चलेगा? सर 132 kV। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 kV 440। 440 एक चीज़ बोलो, या तो 11 kV बोलो या 440 बोलो, दोनों 440। और जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन सेकेंडरी ट्रांसमिशन में 10 kV 11 kV। टावर का नाम बताओ। कौन सा? लेकिन स्टेट टावर बनाया ना आपने। चलो ये इंसुलेटर का नाम बताओ। सस्पेंशन इंसुलेटर कितने है इसमें? 4। चार है तो कितना वोल्टेज का है? अरे 132 के नहीं सर, इंसुलेटर पूछ रहे थे 4 लगे तो कितने के वी की लाइन होगी? अब इंसुलेटर से क्षमता बता सकते हैं कि कितने की लाइन भेज रहे थे, कितना होगा ना आपके बताओ? ये कितने के लिए होता है? अच्छा ये केबल यूज कराया आपने, कौन सा केबल यूज करते हैं? बड़ी लाइन नहीं बोलो बेटा, पढ़े लिखे
जो पढ़े लिखे ना एसटी लाइन में, एसटी लाइन के लिए एसी एसआर कंफर्म होगा, स्टील टावर का नाम नहीं मालूम। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये वाला सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का है, नाम बताओ इसको। और कुछ भी मालूम है सर? सर सबको मालूम है, तुम लोग को नहीं मालूम? वैसे उसकी बाउंसिंग फोन पे की गई है तो कौन माउंटेन है? जैसे आप पहले वाले ये दोनों की है फाउंडेशन में, फाउंडेशन ये दोनों फाउंडेशन माउंटेन है। अंदर की हो तो इंडोर है, बाहर की हो तो अच्छा। इसमें ये सब तो कर दिया, प्रोटेक्शन कहाँ है? ये आपने बिजली को पैदा कर दिया, जनरेट कर दिया, ट्रांसमिट प्राइमरी ट्रांसमिशन सेकेंडरी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन घर तक पहुँचाई दे दिया। सर को बताओ पहले कौन कौन से प्राइमरी वगैरह हो सर? जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, डैम से हो गया सर, डैम पानी के द्वारा थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट टर्बाइन लगाएंगे उसमें क्या सर? कितने प्रकार के टर्बाइन जिन प्रकार के कौन कौन से पानी के लिए कौन सा पैटर्न लगाए तो कौन सा होगा जब पावर जनरेशन टाइम होगा? अल्टरनेटर में एक हीटर होगा ना, दो टाइप के होते हैं, एक कौन सा होता है हमारा सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल, भाई बता देते हैं। अगर ये इसका आरपीएम 1000 RPM है तो कौन सा होगा, सिलेंडर या सिलेंड्रिकल? अल्टरनेटर सिलेंड्रिकल होता पड़ता है, वही तो सिलेंड्रिकल होगा। थोड़ा बेटा तुमने पढ़ लिया है अच्छा से हाई स्पीड पे। अच्छा दोनों में से हाई स्पीड पे कौन सा चलेगा, सेलगेंट वाला या